त बबली बोलतानी कहवा वारा खोजतानी। बहुत ज़्यादा, मैं तो मरने के कगार पे आ गई थी। अच्छा। हाँ, इतना टॉर्चर, तो सबका रिएक्शन ऐसे है। हाँ, इसका बाप नौकरी वाला है और बेटी नाच रही है, देखो नचनिया बना दिया, इसी का कमाई खा रहा है, देखो बेटी क्या कर रही है, ब्राह्मण है, ऐसे करता है। बहुत रोती थी मैं, बहुत ज़्यादा। तो लोग, मम्मी पापा मुझे समझाते रहते थे। मैंने तो एक बार ऐसे भी हुआ था, कपड़े वपड़े मैंने सब फेंक दिया, बोला नहीं मुझे कुछ अब करना ही नहीं है। तो मम्मी पापा ने समझाया, यार हाथी चले बाजार, कुत्ता भोंके हजार। लेकिन जब बात आएगी शूटिंग का, डेट का, तो वो फिर बात करेंगे, बोलेंगे 2:30 बजे रात में आओ, 12 बजे रात में आओ। बॉलीवुड का ही नाम नहीं लूँगी मैं, हमारे बिहार के भी कुछ महान ऐसे लोग थे जिनका नाम नहीं लूंगी। अच्छा, वो भी वहाँ पे जाके वही भजन गा रहे थे। सोशल मीडिया के वायरल अभिनेत्री चांदनी मिश्रा जी हैं और बिहार की बेटी हैं जो मुंबई में संघर्ष कर रही हैं। अब बिहार पुनः वापस आ गई हैं अपनी कला को निखारने के लिए। पहले स्वागत है आपको। थैंक यू सो मच, और जितने भी जनतागण देख रहे हैं उनको भी दिल से मेरा प्रणाम। आप बिहार की बेटी हैं और बिहार की पगडंडियों से चलकर मुंबई गए, है ना, अपने करियर को सफल बनाने के लिए। अक्सर बिहार के लोग जो हैं जूझते हैं, यहाँ संघर्ष करते हैं, कोई सहयोग यहाँ के सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है जी, बिल्कुल। क्या चांदनी मिश्रा जी के साथ में क्या हुआ, अपना पूरा बताएंगे जी? क्या बताऊँ, बुरा तो सबके साथ होता है, बट मेरे साथ जो हुआ मैं तो कंफ्यूज थी वहाँ पे। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या होता है, क्या हो रहा है, या फिर आगे करना क्या है। तो जब मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ मुंबई की, तो मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे कैसे ये इस क्षेत्र में जो आप आ गए हैं, फिल्मी दुनिया के क्षेत्र में आए हैं जी, जी आपका समझिए कि एडवाइज कौन दिया? किसी ने एडवाइस नहीं दिया, किसी ने गॉड गिफ्टेड। और बस ऐसे ही स्कूल में कंपटीशन स्टार्ट हुआ तो मैंने भी पार्टिसिपेट किया, और पार्टिसिपेट करने के बाद मैं फर्स्ट आ गई। और फर्स्ट आने के बाद कंटिन्यूज वहाँ पे मेरा डांस सबको पसंद आया। उस समय मैं छोटी थी और बच्चों का डांस तो किसको पसंद नहीं आएगा। तो फिर मेरे में पता नहीं क्या बात है, फिर वो लोग हर एक फंक्शन में कॉम्पिटिशन रखते थे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते गए, वैसे वैसे बड़ी भी होती गई और वैसे वैसे काम भी मुझे मिलते गए, झांकी करने लगी। करते करते फिर मतलब ये पैशन मेरा मैं बचपन से ही रहा कि नहीं मुझे हीरोइन बनना है, मुझे कुछ करना है। किन्हीं के द्वारा तो मोटिवेट आपके आपको जरूर मिला होगा, मोटिवेशन तो जरूर मिला होगा। मोटिवेशन कौन देगा, माता पिता के अलावा मुझे किसी ने नहीं दिया। जो बात है सबने मेरा, बस वो होता है ना कि चलो पैर पकड़ के खींचो, इसको आगे नहीं बढ़ने देना है, चाहे वो मेरे रिलेशन वाले हो जाए या फिर कोई कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका नाम नहीं लूंगी। बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत बुरा अक्सर देखने को मिलता है कि बिहार में इस कला के क्षेत्र में बिहार की बेटी जाना जो जाती हैं तो कहीं ना कहीं कई बातों को झेलना पड़ता है। गांव ग्राम में जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो वहाँ का इन्वॉल्वमेंट है, वातावरण है, कहीं ना कहीं उन माता पिता को झेलना पड़ता है, बेटी के चलते झेलना पड़ता है कि आपका बेटी इस क्षेत्र में गया, ये बनेगी वो बनेगी, ये कर रही है वो कर रही है ना। आप भी झेली हैं? झेली हूँ बहुत ज़्यादा, मैं तो मरने के कगार पे आ गई थी। अच्छा। हाँ, इतना टॉर्चर, इतना सब लोग ताने मारना। जब मैंने फर्स्ट वीडियो किया था, जब वीडियो सब देखा तो सबका रिएक्शन ऐसे है, हाँ इसका बाप नौकरी वाला है और बेटी नाच रही है, देखो नचनिया बना दिया, इसी का कमाई खा रहा है, देखो बेटी क्या कर रही है, ब्राह्मण है, ऐसे करता है, ऐसे रहती है, ये है वो, इसे कोई मतलब मत रखो, ऐसे है वैसे है। गलत गलत मेरे चाचा जी गाली देते थे, सब लोग रिलेशन वाले, कोई फ़ोन नहीं करते, फ़ोन भी करते तो बुरा भला मम्मी को बोलते, मेरी मम्मी को भी बुरा लगता, सबको लगता, बट सब लोगों को लगा कि मेरी बेटी गलत ही नहीं कर रही, तो इसको रोके क्यों, क्यों बांधे ताकि कल के दिन मर जाए किसी और के जैसे। नहीं, अगर मैं, मेरे मम्मी पापा ने एक ही चीज़ बोला, बेटा मैं रोकूंगा या रोकूंगी वहीं पे जहाँ तू गलत होगी, ना कि तुम्हारा सपोर्ट मैं छीन लूँ कि नहीं। और माँ बाप सपोर्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा? और शुरू से बचपन से लेके अभी तक उन्होंने सपोर्ट किया है, तो बचपन से लेके अभी तक मम्मी पापा ने सपोर्ट किया है बहुत ज़्यादा। अक्सर माता पिता भी होते हैं जो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं, जिस तरह से आप कह रहे हैं माता पिता के प्रति, तो सपोर्ट नहीं करते हैं इस क्षेत्र में जाने के लिए। दूसरे कई क्षेत्र है बिहार में, और कई क्षेत्र है कि आप पढ़ाई लिख कर आप तैयारी कर सकते हैं, मेडिकल की तैयारी कर सकते हैं, ये नौकरी का तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में माता पिता बहुत कम लोग होते हैं। और आपके माता पिता बहुत ही सौभाग्यवान है कि आप इस क्षेत्र में भेजे, बहुत खुशनसीब हूं जी, बिल्कुल उन लोगों का ही आशीर्वाद है। ये सब जो कमेंट ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जब गलत गलत टिप्पणी
नहीं करते थे, कमेंट करते थे, सुनकर कैसा लगता? बहुत रोती थी मैं, बहुत ज़्यादा। तो लोग मम्मी पापा मुझे समझाते रहते थे। मैंने तो एक बार ऐसे भी हुआ था, कपड़े वपड़े मैंने सब फेंक दिया, बोला नहीं मुझे कुछ अब करना ही नहीं है। तो मम्मी पापा ने समझाया, यार हाथी चले बाजार, कुत्ता भोंके हजार, भौंकने दो, मुझे पता है ना तू क्या कर रही है। लोगों का क्या, लोगों का काम है कहना, तुम्हारा काम है आगे बढ़ना बस। तो मैंने सोच लिया यार जब मम्मी पापा मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। तो मुंबई का क्या, कैसा दौर रहा जी? तो जब मैं मुंबई जाने के लिए मैंने प्लान किया, जब मैं मुंबई गई, वहाँ ऑडिशन दिया, हर चीज़ मैंने स्ट्रगल किया, बट कुछ हासिल नहीं हुआ। लोग गलत गलत नज़रियों से देखना, और आपके साथ तो बहुत अच्छे से बात करेंगे, लेकिन जब बात आएगी शूटिंग का, डेट का, तो वो फिर बात करेंगे, बोलेंगे 2:30 बजे रात में आओ, 12 बजे रात में आओ, शूटिंग करना है। तो भाई उतनी रात में कौन सी शूटिंग होती है? तो कोई भी तो मूर्ख तो है नहीं जो कोई समझेगा नहीं। जो जो बॉलीवुड पर, जो फिल्म दुनिया पर ये लगता है, सवाल उठता है कि कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है जी, कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, वेट शेयरिंग का बात किया जाता है, तभी मैंने काम मिलता है, ये सही है? मैं पुष्टि नहीं कर सकती इस चीज़ की कि 100% सही है। गई हैं तो जी, तो मैं ये चीज़ मैं बता रही हूँ, बॉलीवुड का ही नाम नहीं लूँगी मैं, हमारे बिहार के भी कुछ महान ऐसे लोग थे जिनका नाम नहीं लूँगी। अच्छा, वो भी वहाँ पे जाके वही भजन गा रहे थे, वही करते हैं जी। उन्होंने खुद बोला था मुझे, जब ऐसे ऐसे बोला ना कि आप मतलब आपको मूवी दूंगा मैं, हीरो का भी नाम नहीं लूँगी, बहुत 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 पॉपुलर है। तो फिर उन्होंने ऑफर दिया कि ये हीरो के साथ आपका काम है, आप करना। मैंने बोला ठीक है, मैं तो खुश हो गई कि भाई चलो ऑफर मिला, ऑफर मिला। बट बात जब आई कि भाई 2:30 बजे आना है, कंप्रोमाइज मिठाई खिलाना पड़ेगा, तो फिर हमने सोचा भाई क्या बोल रहा है ये, 2 बजे रात में क्या, कौन सा शूटिंग करेगा। तो फिर जब हमारे साथ जो जितने लोग थे, तो जब हमने पता किया, जब कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया जी, वहाँ पे कुछ ऐसे भी कॉन्टैक्ट थे जो बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने मुझे समझाया कि बाबू ये जो बोल रहा है ना, ये तुम्हें गलत वेव में बोल रहा है, अगर उसके अकॉर्डिंग तुम चलोगी तभी तुम स्टार बनोगी, वरना कोई फ़ायदा नहीं है, घुर के वापस घर जाओगी। तो फिर भाई मैंने ठान लिया ना, करना है तो अपने बदौलत करना है, क्योंकि माँ बाप भरोसा करके भेजे हैं जी। अगर करना है तो अपने बदौलत, नहीं तो नहीं करना, नहीं तो करना होता तो कब का कर चुकी होती, वापस बिहार क्यों आती? तो वहाँ से थकार के देख लिया, कुछ ऑप्शन नहीं है। फिर एक मूवी का ऑफर मिला, तो वो बहुत अच्छे इंसान थे, तो उन्होंने दिया, बट कोरोना आतंक मचा दिया। फिर पापा मम्मी बोले बेटा आ जाओ, क्योंकि कुछ हो गया तो फिर लेनी का देनी, मूवी मूवी ही रह जाएगा। कहीं ना कहीं कोरोना का दंश जो है चांदनी को भी झेलना, बहुत झेलना पड़ा। तो फिर हम लोग जब घर आए तो कोई शो नहीं, कुछ नहीं, हम लोग इतना टेंशन में आ गए थे कि अब क्या होगा, मेरा तो खत्म कैरियर यहीं। अब क्या कर रही हैं चांदनी? अब बस आप लोग का आशीर्वाद है, जो कुछ मैंने खोया था उससे डबल मैंने पाया है जी, मैं बस इतना ही कहूँगी। अब कहीं से ऑफर मिला है चांदनी का? बहुत ज़्यादा, मैं तो हाल फिलहाल एक और सीरियल का ऑफर आया था, तो बट वो तो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे शो कंटिन्यूस चल रहे थे। तो अभी करंटली मैं शो में ही थी, मुझे सीमा जी का कॉल आया, वही हम तो बबली बोलतानी कहवावारा खोजतानी, तो वही सीमा सिंह जी। सीमा जी आपको कहीं ना कहीं बबली खोज ली जी, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया, उन्होंने कॉल किया, और थैंक यू सो मच उनको भी। हीरा को पहचाने वाला जौहरी ही पहचानता है, और ये चांदनी है, हीरा है, और सीमा जी जौहरी बनके इनके लिए आए और पहचान लिए जी। मैं तो उनको दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे समझा और मुझे मौका दिया, और बहुत अच्छी है दिल की, और बहुत अच्छे से उन्होंने बात भी किया जी। व्हाइट कॉलर जी, बहुत अच्छी मूवी है, जब रिलीज होगा ऑटोमेटिक आप लोग को पता चल जाएगा। अपने मुँह से क्या ही बोलना, तारीफ तो सब लोग करते हैं, आप लोग देखोगे खुद ही समझ जाओगे, बहुत अच्छी मूवी है, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं उनके साथ वॉक कर रही हूँ, बहुत अच्छा। बिहार की बेटी को लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपसे मोटिवेट होकर इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, और उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी मैं बिहार ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात करती हूँ, ऐसा नहीं बिहार में ये चीज़ होता है, बहुत ऐसी जगह है, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, या फिर आउट ऑफ कंट्री हो, सब जगह ये चीज़ झेलना ही पड़ता है कि बहुत ऐसी लड़कियाँ हैं जिनको बोलेंगे कि नहीं नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो बाप माँ इनका कर्तव्य है कि बच्चों को पहले आप समझिए, दुनिया बाद में समझेगी, तो पहले आप उनके दोस्त बनिए, ताकि वो आपसे हर एक चीज़ शेयर करें, ताकि उनकी जैसी हजारों बेटियां जो सुसाइड करती है वो ना करें।
तो आप उनको समझिएगा, ऑटोमेटिक उनको वो जुनून, वो हौसला आएगा और फिर वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगी। सवाल तो है कि चांदनी जी की तरह हर एक बच्चियां तो हो नहीं सकती, नहीं कहीं ना कहीं उस इस माहौल में ढल के गलत रास्ते भी अपना जी बिल्कुल अपनाती भी है, कई अपना बहुत नाम नहीं लूंगी, बहुत ऐसी आर्टिस्ट हैं जो गलत राह पे जाके अपना नाम कमाई, अपना नाम बनाई, अपना पहचान बनाई है। बोलना स्टार्ट करूंगी तो फिर लोग ही चुप हो जाएंगे, इससे बेहतर है मैं ही चुप हो जाऊं। बीट शेयरिंग करके और अपना नाम, बहुत होता है ऐसा, क्योंकि आप लोग करते हो इसीलिए आपके साथ होता है, तब ना इसका शिकार इंसान लोग को बनाया भी जाता है। आपको पता है एक लड़की के कारण कहावत भी है, तालाब में एक गंदी मछली आएगी पूरे तालाब की गंदा करके चली जाएगी। तो वही बात है, अगर एक लड़की कोई गलत करती है ना, सबको उसी नजरिया से लोग देखने लगते हैं। तो एक दो लड़कियां ऐसी है जो कंप्रोमाइज कर करके आगे बढ़ जाती है, जिसके कारण हम जैसी लड़कियों को भी झेलना पड़ता है। कहीं जाओ तो बोलेगा कि बस वही टाइप की है, तो बात करके तो भाई पता चल ही जाता है। और मैं इसीलिए इतनी सालों बाद अब जाके ग्रोप हुआ है, अब जाके वर्क कर रही हूँ, नहीं तो करना होता तो बहुत ऑफर मिला। क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार की, यही जो देख रहे हैं जी, यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप में जुनून है, आप में पैशन है, तो आप कर सकते हो, हारो मत किसी से। और दुनिया जाए भाड़ में, कौन क्या कहते हैं, फर्क मत अपने दिल पे ये मत लाओ कि लोग क्या बोलेंगे। आपका जो काम है वो आप करो, सोशल मीडिया का जमाना है, अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है कहीं पे तो आप वीडियो डालो भाई, वायरल होगा, लोग आपको ढूंढेंगे, अब क्या चाहिए। चांदनी मिश्रा का सोशल मीडिया पर कितना फॉलोवर है? जी पेज पे तो मेरा 13 मिलियन है फेसबुक पे, और इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन है, और यूट्यूब पे है समथिंग 11-12 हज़ार, उस पे ज्यादा मैं ध्यान नहीं देती हूँ। तो आमदनी भी आ रही होगी, चूंकि 13 मिलियन फॉलोवर है तो समझ सकते हैं कि कितना आमदनी होता होगा मंथली। तो फिर आपका कितना होता है आप भी बता दीजिए थोड़ा सा। तो बस जो भी आ जाता है बस यही सोचे, बस एक शौक है कुछ करने का तो बस करती हूँ, नहीं तो भाई भगवान दया से कुछ चीज की कमी नहीं है। आप फिल्मी सॉन्ग ज्यादा पसंद करती हैं कि भोजपुरी सॉन्ग? जी मुझे हिंदी सॉन्ग ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। जो सबसे बेस्ट सॉन्ग आपका लगे वो सुनाए, कौन सा गाना सुनाओ। बहुत सारे सॉन्ग ऐसे हैं, और अभी तो मैं भूल भी गई, क्योंकि पता है बहुत सारे सॉन्ग याद रहते हैं, भूल भी जाती हूँ जी बिल्कुल। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। थैंक यू। तो ये थे चांदनी मिश्रा जी, कैसा लगा ये वीडियो अपना प्रतिक्रिया जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।